लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और गार्डनर वर्सेस मुरल, आपको अप्लाई करना पूरी तरीके से आ गया है। इस क्लास के अंदर कैसे स्टार्ट करेंगे, एक सबसे पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी का ही। ये आईसीआई स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, और अगर आपने ये पहले से कर लिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, उसके अंदर से आप इस क्वेश्चन को स्किप कर लेना, और उसके आगे जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो होगा सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा क्या रीज़न है, ये देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 पॉइंट्स लिखवाए थे नोट्स के अंदर। इस नोट्स के अंदर आप देखो ये फर्स्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं, लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी, लॉस ऑन रियलाइजेशन और प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, सब कुछ ये स्टार्टिंग के 3 पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर करवा दिए थे, क्वेश्चन करा था उसके अंदर कवर हो गए थे। लेकिन ये जो 4th पॉइंट है ना, जिसके अंदर आपको कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालना होता है, ये पार्ट हम नहीं कर पाते क्योंकि जो हमने क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन है, मैसर्स एक्स वाई एंड जेड हु वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। आईसीआई बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और 3 पार्टनर है, 2:1 इनकी रेशियो है। हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2020, डेट मैंने अमेंड कर दी है 31 दिसंबर 2020 की इनकी बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज एसेट, और बैलेंस शीट के नीचे देखो क्या है, फर्म वाज डिसोल्ड ऑन द डेट मेंशन अबव ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेज, जो जिस डेट की बैलेंस शीट डेट दी है उसी डेट को डिसोल्यूशन हुआ है। और कहता है कि आफ्टर ड्राइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव, ऊपर जो बैलेंस शीट दी है उसको बनाने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 हैव बीन परचेज इन नवंबर 2020X1। इसको मेरे को अमेंड करके 2019 कर देना चाहिए था, आप कर लो अपने आप अपनी बुक में अमेंड कर लो, के गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,000, 4,000 के कुछ गुड्स थे जिनको आपने खरीदा था लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसके अंदर साफ साफ लिखा है एंड हैड बीन रिसीव्ड बट द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, गुड्स तो रिसीव हुए लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी कि रेक्टिफिकेशन आपको इसकी करनी है। आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप का बेसिक जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, क्योंकि देखो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्रेडिटर कम रिकॉर्ड हुएंगे ना क्योंकि क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिटर कम रिकॉर्ड हुए, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। जब हम इसकी पेमेंट करते तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इसका अफेक्ट आ जाता। लेकिन अब हम कर रहे हैं गार्नर वर्सेस मुरे रूल, उसमें कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालनी पड़ेगी, तो मतलब इसकी रेक्टिफिकेशन हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालने के लिए हमको पुरानी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे क्या लिखा है, फिक्स एसेट रियलाइज ₹20,000, इसने रियलाइजेशन दे रखी है किस किस एसेट की कितनी हुई है, उसके बाद लाइबिलिटी के लिए दे रखा है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है, और एक्स एग्रीड टू टेक ओवर लोन ऑफ मिसिज एक्स, मिसिज एक्स का लोन, एक्स बैलेंस शीट के अंदर एक लोन है मिसिज एक्स का लोन, उसको एक्स पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, ठीक है ना। और वाई इंसॉल्वेंट हुआ है इस केस के अंदर, और हिज एस्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, यानी कि कुछ भी रियलाइज नहीं हो पाएगा, जितना जो भी उसका बैलेंस है फिगर होगा वो सब लॉस होगा। गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स अकॉर्डिंग टू डिसीजन इन गार्नर वर्सेज मुरे रूल, गार्नर वर्सेज मुरे रूल लगा के हमको अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखो रियलाइजेशन अकाउंट, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट वीडियो स्किप करके एसेट और लाइबिलिटीज के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, जल्दी से चेक कर लो कि क्या इसके अंदर सब कुछ मैंने सही लिखा है, आपके पास बैलेंस शीट है बुक के अंदर सब कुछ देख लो ढंग से ट्रांसफ़र करा है या नहीं, और कुछ इसके अंदर पॉइंट है वो मैं समझाता हूँ। अच्छा ये जेड का लोन 50,000 का लिख दिया, इसको ठीक कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया इसको 5,000, अब सब ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोविजन जो मैंने क्रेडिट साइड पर सबसे ऊपर लिखा है, बैलेंस शीट के अंदर तो डेटर्स के अंदर से माइनस करके दिखा है, लेकिन ये रियलाइजेशन अकाउंट में प्रोविज़न लेफ्ट साइड क्यों आया है क्रेडिट साइड में, ऐसा इसलिए है। देखो जब हम प्रोविज़न बनाते हैं ना तो प्रोविज़न की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि हम एक एक्सपेंस डेबिट करते हैं, क्योंकि डेटर अभी बैड डेट नहीं हुए हैं तो हम डेटर को क्रेडिट नहीं करेंगे, डेटर तो बुक के अंदर जितने हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन एक और नया अकाउंट बन जाता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करके बनाते हैं प्रोविज़न का, उसकी एंट्री होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट।
और ये जो प्रोविजंस है ये इसका, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लाइब्रेरीज में शो होना चाहिए, है ना, क्रेडिट बैलेंस लाइब्रेरी में शो होना चाहिए, लेकिन ये प्रोविजन जो है डेटर से रिलेटेड है और अच्छी प्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम इसको डेटर में से मैनेज करके दिखाते हैं। तो क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में पॉजिटिव तो नहीं आ सकता, इसलिए डेबिट साइड में देखो यहाँ पे नेगेटिव लिखा है ब्रैकेट के अंदर, और क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसलिए मैंने इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करा है क्रेडिट साइड। इसके बाद ये पार्टनर्स का लोन है बेटा, पार्टनर के लोन के कई ट्रीटमेंट चल रहे हैं मार्केट के अंदर, आप कोई सा भी ट्रीटमेंट करो सब कुछ सही है। एक ट्रीटमेंट है कि पार्टनर के लोन का अलग से अकाउंट बनाओ, पार्टनर के लोन का अलग से अकाउंट बनाओ और उसकी पेमेंट कैश में करो, और दूसरा ट्रीटमेंट है कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दो, और तीसरा ट्रीटमेंट है कि पार्टनर का जो लोन है ना उसको पार्टनर के अकाउंट में चार्ज कर दो। आपको जो ट्रीटमेंट अच्छा लगे वो सही कर सकते हो। मैं इस केस के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, एक तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट बना दिया, बैलेंस कितना था इसका 1,000 रुपये। आपके पास क्वेश्चन है, आप उसमें से देख रहे हो, मेरे को उम्मीद है कि आप उसमें से देख रहे हो। अच्छा, जो मैं इलस्ट्रेशन नंबर बोलता हूँ, इसके अंदर जो ICAI का लेटेस्ट मॉड्यूल है वेबसाइट के ऊपर 2020 एग्जाम के लिए, उसके अंदर से नंबर बोलता हूँ। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम ही है। अब इसके बाद मैं आपको बना के दिखाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं XYZ, तीनों का मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया, XYZ एंड XYZ। इनका बैलेंस कितना है, एक्स का बैलेंस है 29,200 एंड वाई का बैलेंस है 10,800 एंड जेड का बैलेंस है 10,000। 10,000 ये ना, हाँ 10,000। अब क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। देखो लाइब्रेरी साइड के अंदर सब कुछ हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, फिक्स एसेट और ये एसेट साइड के अंदर सब कुछ ट्रांसफर हो गया, तो ये सब तो हो गया ख़त्म। अब देखो ये जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने मार्क करा यहाँ पे, इट वॉज डिस्कवर दैट गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 हैव बीन परचेज इन नवंबर। नवंबर के अंदर गुड्स परचेज किए थे, वो रिसीव भी हुए थे, लेकिन आप उसकी परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये जो परचेज इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करी, इसकी वजह से कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुएंगे, एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट अफेक्ट हुआ होगा और दूसरा परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ होगा, और हमको इसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमको कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालनी है। इसके अंदर गार्नर वर्सेस मुरे रूल साफ साफ लिखा है अप्लाई होगा, और नहीं लिखा होता तब भी हमको पता है कि अप्लाई होगा। तो सबसे पहले परचेज के ऊपर देखो आप इसका क्या अफेक्ट हुआ, परचेज के ऊपर इसका अफेक्ट हुआ है ये, परचेज सबसे पहले ट्रांसफर हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल रिजल्ट जो होता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो चला जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखो परचेज जो होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस यानी कि एक्सपेंस। डेबिट बैलेंस कम चार्ज करा मतलब एक्सपेंस कम चार्ज हुआ है, अगर खर्चा कम चार्ज हुआ इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, और ये जो प्रॉफिट का अल्टीमेट रिजल्ट है ये कौन से अकाउंट के अंदर जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी कि परचेज कम चार्ज करने से प्रॉफिट बढ़ा, और क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा इसलिए कैपिटल अकाउंट भी बढ़ गया। अब आपको रेक्टिफिकेशन करनी है तो कैपिटल अकाउंट को घटाना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये जो क्रेडिटर्स हैं इसका क्या होगा, मतलब अब रेक्टिफिकेशन करनी है तो क्रेडिटर्स की भी तो रेक्टिफिकेशन करेंगे ना। क्रेडिटर्स अकाउंट सीधा आया बैलेंस शीट के अंदर, लेजर से उठ के ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से सीधा बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर आपको दिख रहा है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट आया था वो तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, मतलब क्रेडिटर्स तो हम बढ़ाते लेकिन क्रेडिटर्स का अकाउंट बचा ही नहीं। अब क्रेडिटर्स की जगह कौन सा अकाउंट बचा है, अब क्रेडिटर्स की जगह एक ही अकाउंट है, सारे अकाउंट की जगह एक अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट ढूंढोगे और उसकी जगह मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनी, आपको कैपिटल को डेबिट करना था और रियलाइजेशन अकाउंट को बढ़ाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर जाके देखा इसका अमाउंट कितना था, 4,000 रुपये इसका अमाउंट है। तो ये जो 4,000 है अगर सही से अकाउंटिंग करते तो प्रॉफिट ये 2:1 में बांटते, और 4,000 की वजह से ये जो हमको कैपिटल अकाउंट भी कम करनी है तो 4,000 का जो इनको फ़ायदा हुआ है एक्सपेंस कम चार्ज करने की वजह से, परचेज कम चार्ज करने की वजह से, वो इन्होंने 2:2:1 इनकी PSR में बांटा होगा। तो अब ये जो हमको 4,000 कम करना है ये अभी हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांटेंगे, और ये मैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी लिखता हूँ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर भी लिखता हूँ। देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं बाय कैपिटल अकाउंट, किस किस की कैपिटल हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल XYZ की, ब्रैकेट में अंदर मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स ओमिटेड,
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैपिटल अकाउंट के अंदर ये 4,000 है, इसको डिवाइड करता हूँ। 4,000 का 2:2:1 में बांटो, कितना आता है अमाउंट? एक्स का आता है 1,600, वाई का भी 1,600 और जेड का आ जाएगा 800। टोटल हो गए 4,000। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। कितना अमाउंट है टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे मैंने लिखा 1,600, 1,600 और 800। यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, राइटर्स ओमिटेड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और अब क्वेश्चन के अंदर वापस आओ तो क्वेश्चन के अंदर देखो, इसके बाद सारी जो एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट रियलाइज ₹20,000, इसके आगे का पूरा क्वेश्चन जो है वो जिस डेट को डिसोल्यूशन हुआ है उसके बाद का है। इस डेट पर डिसोल्यूशन हुई, इस डेट से बाद की सारी एडजस्टमेंट है जो आगे दी है, और इस डेट से पहले की एडजस्टमेंट थी वो 4,000 वाली। तो कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले वाली सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है, इस कैपिटल अकाउंट को जाके क्लोज कर दो। क्लोज क्यों कर दो, मतलब इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके ले आओ। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी जो कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही शो होगी, और दूसरी बात ये भी पता रहेगा कि डिसोल्यूशन से पहले वाली एडजस्टमेंट से, डिसोल्यूशन से पहले वाली एडजस्टमेंट की वजह से कैपिटल का क्या बैलेंस है, और डिसोल्यूशन से बाद वाली एडजस्टमेंट के लिए, और डिसोल्यूशन से बाद वाली एडजस्टमेंट्स के लिए कैपिटल की क्या सिचुएशन है। तो देखो मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करा, और ये जो बैलेंस कैरी डाउन करा है यही है हमारी कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट थी डिसोल्यूशन से पहले वाली जो कि थी रेक्टिफिकेशन। तो इसके अंदर हमने रेक्टिफिकेशन कर दी है, और ये जो बैलेंस है यही है कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना? हाँ सर एकदम ठीक है। इसका बैलेंस मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ पे। कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,600, 9,200 एंड 9,200, तीनों का कैपिटल बैलेंस आ गया। और कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपको पता है ये वाली है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। फिक्स एसेट रियलाइज ₹20,000, स्टॉक है 21,000, बुक डेट्स, मतलब बहुत सारी एडजस्टमेंट है ये एसेट को बेचने की। तो यहाँ से देख के सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और सारी जितने भी एसेट बेचे हैं यहाँ पे लिखा मैंने बाय कैश अकाउंट, और सबसे पहले दिख रहा है मेरे को फिक्स एसेट कितने में रियलाइज हुआ है, 20,000 के अंदर। फिर है स्टॉक, उसके बाद है बुक डेट्स, है ना? उसके बाद पेमेंट है। तो पहले इन तीनों का अमाउंट लिख देता हूँ, 20,000 और 21,000 और 20,500। इन तीनों को टोटल अगर आप करके बताएं तो इन तीनों को टोटल क्या आता है, इन तीनों को टोटल आता है 61,500, इन तीनों को टोटल आ रहा है। ताकि मैं भूलूँ नहीं इसलिए इसको फटाफट से जाके कैश अकाउंट के अंदर पोस्ट करूँगा। कैश अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 61,500। अब क्वेश्चन के अंदर आगे देखो, सिमिलरली क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ, सिमिलरली क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एवरेज। 2% ऑन एवरेज का क्रेडिटर्स का डिस्काउंट है। अगर आपको याद हो बिल्कुल अभी एक एडजस्टमेंट करी है क्रेडिटर्स की, देखो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट था वो रिकॉर्ड करना हम भूले थे, लेकिन क्रेडिटर जो एक्चुअल में क्रेडिटर है वो रिकॉर्ड थोड़ी करना भूले हैं। तो उनके बुक में जो रिकॉर्ड होगा वो उसी के ऊपर डिस्काउंट देंगे। यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट है, कितना अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर, 25,000। बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट है 25,000, और 4,000 हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 25,000 प्लस 4,000, और इसका 2% उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो हमको पेमेंट कितनी कर दी, 98%। तो कैश अकाउंट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के ब्रैकेट के अंदर मैंने डिटेल दी 25 प्लस 4, इसका 98%। और कुछ एक्सपेंस भी दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 28,420 आ रहा है, और एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर दिए हैं 1,080 के। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट चला है, क्योंकि आपको मैं पिछले 2 लेक्चर से ये क्वेश्चन करवाते आ रहा हूँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट चलाया, आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने एंट्री करी है पेमेंट करने की, इसको जल्दी से कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ ताकि मैं इसको भूलूँ नहीं, है ना? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों का टोटल कितना आएगा, दोनों का टोटल आ रहा है 28,420 प्लस 1,800, 1,080, तो 29,500 इसका टोटल आ रहा है ना? अब क्वेश्चन के अंदर आगे देखें तो एक्स एग्रीड टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेस एक्स।
जो मिसेस एक्स का लोन है वो एक्स टेक ओवर कर लेगा। तो लेबिडीज जो रिलेशन अकाउंट के इसके अंदर देखो यहाँ पे लोन फ्रॉम मिसेस एक्स दिख रहा है, इसको एक्स टेक ओवर करेगा। जब एक्स टेक ओवर करेगा तो एक्स ही कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिलेशन अकाउंट के अंदर डेबिट में टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और कितना लोन है मिसेज एक्स का, 10,000, और इसको मैं जल्दी से ट्रांसफ़र करता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा बाय रिलेशन अकाउंट 10,000, और ब्रैकेट में डिटेल दे देते हैं मिसेज एक्स लोन। अब आगे क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिसेज एक्स लोन तो हो गया, अब देखो आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आगे ख़त्म, क्वेश्चन के अंदर आगे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन आपको पता है कि हमको पहले चेक करना पड़ता है कि कुछ लाइबिलिटी तो नहीं बची। अगर लाइबिलिटी बची है कुछ, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने उसको बुक वैल्यू के ऊपर पे करा है ना। तो यहाँ पे देखो लाइबिलिटी साइड के अंदर प्रोविजन तो रियलाइज नहीं हो सकता ना, हमको किसी की पेमेंट करनी। और ये जो मिसेज एक्स का लोन हो चुका है, 100 क्रेडिटर्स हो चुके हैं, और ये सिर्फ जेड का लोन बचा है 5,000। तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने इसको बुक वैल्यू पे करा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में मैंने लिखा जेड का लोन, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि किसकी पेमेंट करी है ये 5,000, और इसको मेरे को कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर कई ट्रीटमेंट चल रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट के अंदर कई ट्रीटमेंट चल रहे हैं पार्टनर लोन के। आप चाहते तो ये जेड का लोन जेड के कैपिटल अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन हमने इसकी पेमेंट क्यों करी है। देखो जब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं ना, सबसे पहले होती है सिक्योर्ड लाइबिलिटी, सिक्योर्ड लाइबिलिटी के बाद होती है अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी, उसके बाद होता है पार्टनर्स लोन, और उसके बाद होता है पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पेमेंट होती है। सबसे पहले पेमेंट हो जाएगी सिक्योर्ड लाइबिलिटी, दूसरे पे नंबर पर हो जाएगी अनसिक्योर्ड की, उसके बाद कुछ बचा तो पार्टनर का लोन, और उसके बाद भी कुछ बचा तो पार्टनर की कैपिटल। इस केस के अंदर सबकी पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बच रहा है, इसलिए मैंने जेड की पेमेंट भी कर दी। आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करके पेमेंट करो, या रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करके पेमेंट करो। मैंने अभी तक आपको बताया है कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही कर दिया, ये भी सही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना भी सही है, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन के बाद ट्रांसफ़र करना है। अगर आप भूल जाओगे तो वहाँ पर गलती हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करना नहीं भूलोगे, इसलिए मैंने यहाँ करके दिखाया है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये जो एडवांस टू वाई है डेबिट साइड के अंदर मेरे को दिख रहा है, एडवांस टू वाई मतलब वाई को हमने लोन दिया है। देखो बाहर से जो पैसा मिलना था वो मिला, जो नहीं मिलना था नहीं मिला, लेकिन ये हमारे घर की बात है, मतलब घर की मतलब ये जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर की बात है, तो वाई से तो हम पैसा वसूल कर सकते हैं ना। तो ये जो एडवांस टू वाई, जो वाई को लोन दिया है, ये हम वाई के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा, हमको तब भी करना है क्योंकि ये पार्टनर को लोन दिया है, पार्टनर से हम वसूल करेंगे। तो ये जो वाई का कैपिटल अकाउंट के अंदर 4,000 ये जो इसका लोन है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा बाय वाईज कैपिटल अकाउंट, ये तो लॉजिकल है ना, एडवांस टू वाई ट्रांसफ़र करना। अब देखो यहाँ पे मैंने डेबिट साइड के अंदर लिखा था एडवांस टू वाई, और मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखा बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। तो फ़ायदा क्या हुआ इसको करने का, तो मैं क्या करता हूँ इसको काट देता हूँ, और इसको लोन को सीधा ही ट्रांसफ़र करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। आप दूसरा ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते थे, इसलिए मैंने ये भी करके दिखा दिया, लेकिन आप इसको ऊपर नहीं लिखेंगे, ऑन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन के टाइम पर नहीं लिखेंगे, आपको इसके एडजस्टमेंट नीचे ही करनी है। ये बेटा प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऊपर करना चाहो कर दो, कैपिटल ऑन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन वर्किंग नोट में निकाल लो, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, पेपर आपका छूट जाएगा। इसलिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा था, ताकि आप भूलो नहीं, और इसके अंदर ट्रांसफ़र अब करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दोनों ट्रीटमेंट आ जाए। तो यहाँ पे एडवांस टू वाई मैंने डायरेक्ट लिखा, और अगर रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र करता तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखता है ना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन के अंदर आगे क्या है, क्वेश्चन के अंदर आगे क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। तो ख़त्म जब हो गया है, तो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास के अंदर, जो आपके गार्नर वर्सेस मूर रूल वाले स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हो गए। सबसे पहला स्टेप है लॉस ऑन रियलाइजेशन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो भी है वो निकालो। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर के लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, सबसे पहले टोटल देखो, और टोटल में से बैलेंसिंग फिगर निकालो, टोटल 24,000 का लॉस हो रहा है, 24,000 का। अब इस 24,000 को 2 to 1, याद है ना कि तीनों पार्टनर बियर करेंगे, चाहे सॉल्वेंट हो चाहे इनसॉल्वेंट हो, लेकिन जो कैश के अंदर लाते हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर लाते हैं ना। तो यहाँ पे इसको बांट देता हूँ मैं
2 2 1 के अंदर कितना आएगा, 9600, 9600 एंड 4800। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू रिलेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है लॉस, ताकि डिटेल इसकी बनी रहे, 9600, 9600 एंड 4800। अब क्या करना है, जो आपको स्टेप्स याद हो कि मैंने आपको बताया था कि वाई जो है वो इंसॉल्वेंट है, यानी कि गार्नर वर्सेस रूल लगेगा, तो ये जो रिलेशन का लॉस है ये कैश के अंदर लाएंगे, कौन कौन लाएंगे। थोड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन क्योंकि मैं आपको इसका पूरा लॉजिक बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा ये फास्ट चल रहा है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैश अकाउंट का जो रिलेशन लॉस है ये कौन कौन लेके आएगा, वाई तो इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स और जेड लेके आएंगे, कितना कितना लॉस है इनका, 9600 एंड 4800। इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री अगर मैं भूलूँ नहीं, इसलिए मैं पहले कैश अकाउंट के अंदर जाकर ट्रांसफ़र करता हूँ, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9600 और वाई के अंदर 4800। अब आपने क्या क्या कर रखा है, स्टेप नंबर वन आपने कर दिया, लॉस ऑन रियलाइजेशन निकाल दिया, कैश के अंदर मंगा लिया। अब तीसरा काम है लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी निकालनी है ना। तो लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी निकालने के लिए आपको बताया था कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसका बैलेंसिंग फिगर ही लॉस होता है, लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी होता है। तो कितना लॉस हुआ, देखो डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो 13600 आता है, और क्रेडिट साइड का टोटल 9200, यानी कि बैलेंस बच रहा है माइनस का अगर मैं देखूँ तो 4400 है ना। तो ये 4400 कौन लेके आएगा, सर सॉल्वेंट पार्टनर लेके आएंगे। किस रेशो के लाएंगे, कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर, कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन निकालिए क्या, हाँ सर ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिख रही है, निकालिए ना। तो कैपिटल ऑन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन के अंदर ये 4400 लेके आएंगे, और क्योंकि दोनों की ही क्रेडिट बैलेंस है तो दोनों को ही लॉस लेके आना पड़ेगा। इसको बांट दो कितने रेशो में, 3300 एक्स का, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ वर्किंग नोट वन, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इसको हमको एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा कि हमको गार्नर वर्सेस मूर रूल आता है। तो वर्किंग नोट नंबर वन, बांट तो हमने पहले लिया ना, बस वर्किंग नोट के अंदर थोड़ा सा रूल लिखना है इंग्लिश के अंदर, वो अभी मैं लिखवा देता हूँ। पहले जेड की कैपिटल अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफ़र करता हूँ, कितना अमाउंट है इसका, 1100। किस रेशो के अंदर ट्रांसफ़र करा है, 27600 इज़ टू 9200, इन जो की जो बैलेंस दिख रहा है ना ये वाला 2700, 9200, 9200 इसके अंदर ट्रांसफ़र करा है। और अभी तो ये सिर्फ वाई के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, तो हमको एक्स और जेड के अंदर भी करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में मैंने यहाँ पे लिखा एक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 3300 और वाई के अंदर 1100। अब वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ वर्किंग नोट वन, और वर्किंग नोट वन के अंदर आपको क्या लिखना है आप अपनी कॉपी में लिख लो, खुद से लिखना चाहते हो तो, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट कर लो, बहुत ईजी है। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर सेम लैंग्वेज रहती है। मैंने लिखा एज पर गार्नर वर्सेज मुरे रूल, लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी विल बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो है ना, और क्योंकि इसके अंदर डेबिट बैलेंस नहीं है तो हमको एक्सेप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाएंगे, सीधा लिखेंगे कि लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी किस रेशो में बेयर करेंगे, 27600 इज़ टू 9200। रेशो काट के मत लिखना, सीधा लिखना, ताकि उसको पता चल जाए कि हमको पता है कि कैपिटल रेशो के अंदर लेके आ रहे हैं। और सर 27600 इज़ टू 9200 लिखने का फ़ायदा ये है कि आपने जो कैपिटल अकाउंट के अंदर निकाली है ना कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, वो भी एग्जामिनर को यहाँ पता चल गई कि ये है ना। अब नॉर्मल, अब पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल है, तो सबसे पहले बाकी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं कैश अकाउंट के अंदर, और कैश अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं एक्स का करता हूँ क्रेडिट साइड का टोटल, ये 27600, 10947200, 47200 क्रेडिट साइड का टोटल है, और डेबिट साइड का टोटल भी मैच करेगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ, ये तो बैलेंसिंग फिगर कैश में लेके जाएगा ना, क्योंकि बिजनेस को इसने दिया ज़्यादा है और लिया कम है, मैंने लॉजिक बताया था लास्ट क्लास के अंदर। कितना बैलेंसिंग फिगर बचा है इसका, 34300, और ये वाई का देखो तो इसका भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ये भी इस बार तो ये भी कैश में पैसा लेके जाएगा। तो कितना बैलेंसिंग फिगर बचता है इसका, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैलेंसिंग फिगर 8100 है ना। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये कैश अकाउंट के अंदर एंट्री ट्रांसफर करूँगा, और जो कैश अकाउंट अगर मैच हुआ इसका मतलब हमने सब काम सही करा है, और कैश अकाउंट मैच नहीं हुआ मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो मैच करके देखते होता है क्या,
तो कितना अमाउंट था इनका, थोड़ा सा जूम आउट करके यहीं से देखते लिखना है ना, कैपिटल अकाउंट से लेते, थोड़ा जूम आउट करके यहाँ से देख के लिखता हूँ कितना है। ये तो ज़्यादा ही जूम आउट हो गया, मुझे भी नहीं दिख रहा। 34,300 और 8,100, तो मैं यहाँ पे जल्दी से फटाफट लिख देता हूँ और आप चेक कर लो कि ये सब सही है ना। अब इसका टोटल देखते हैं, टोटल कितना आ रहा है। टोटल देखो 1,041,500, 9,600 और 4,800, टोटल आता है 76,900। और क्रेडिट साइड का टोटल अगर मैं देखूँ तो 29,500, 5,000, 34,300, 76,900, ये टोटल भी सेम आ रहा है। मतलब क्वेश्चन हमने एकदम ठीक करा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट थी इसके अंदर प्रोविज़न की, आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप सीए स्टूडेंट हो, आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात, लोन का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन के बाद आप जो भी क्वेश्चन चाहोगे वो आप क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, आरटीपी के क्वेश्चन हो, या बुक का क्वेश्चन हो। प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है, फ़ायदा आपको यह है कि सारे क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर भी फॉर्मेट के साथ करता हूँ। ये जो बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है। तो यहाँ पर फ़ायदा ये है कि हर चीज़ एक तो आपको ऐसे लगती है जैसे टाइप है, और पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको करवाता हूँ। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ना एक एक क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी हमें पता ही क्या होता है। अब इंसॉल्वेंसी समझाने की ज़रूरत नहीं है, गार्नर वर्सेस मुर रूल लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो गार्नर वर्सेस मुर रूल नहीं लगता है ना। तो आपको क्या करना है, आप ये क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तक आपको ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या करना है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग के 10 पेजेस छुड़वाए थे उसके ऊपर लिखवा दूंगा, तो इसके बाद पीस मिल स्टार्ट हो जाएगा अगली क्लास में। मतलब तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि कुछ दिक्कत ना हो इसको समझने के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन खुद मत करो, पहले देख लो साथ में, बाद में इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर लेना एक बार। ये आईसीआई बुक का इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है मुझे याद नहीं है, आप देख लेना कौन सा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, पार्टनर के नाम सेम है, अमल और बिमल। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अमल एंड बिमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दोनों की पार्टनरशिप इक्वल मतलब 1:1:1 इनकी रेशियो है ना। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर ऑन 31 मार्च 2020 डेट, मैं जैसे कि हर बार अमेंड कर देता हूँ, मैंने इसकी डेट भी अमेंड कर दी है, व्हेन द फर्म वाज डिसोल्ड। अच्छा, ये 31 मार्च 2020 के इनके बैलेंस शीट है, ये क्रेडिट साइड के अंदर क्रेडिटर्स हैं और अमर की कैपिटल है, और डेबिट साइड के अंदर प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेटा स्टॉक कैश बिमल ड्राइंग्स, यानी कि बिमल की कैपिटल अकाउंट डेबिट है, और नीचे दे रखे हैं एसेट रियलाइज, जो भी जितने का रियलाइज हुआ है सब दिया है, और कहता है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹175, रियलाइजेशन एक्सपेंस बहुत कम है ₹175 के। अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज़ नॉट सफिशेंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स। अमल के जो प्राइवेट एस्टेट है, प्राइवेट एस्टेट मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में, कैसे घर इंसानों को छोड़ के सब कुछ बेच देते हैं, ये वही कह रहा है कि उसके प्राइवेट जितना भी था सब बेच दिया। और लिखता है आगे, अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज़ नॉट सफिशियंट, सफिशियंट नहीं है टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, उसके प्राइवेट डेट्स पे करने के लिए ही सफिशियंट नहीं है, तो बिजनेस में खाक पैसा लेके आएगा। मतलब कि अमल से कोई भी पैसा हमको नहीं मिल पाएगा, इंसॉल्वेंट हो चुका है। बिमल की बात कहता है आगे, बिमल्स प्राइवेट एस्टेट हैज़ अ सरप्लस ऑफ ₹200 ओनली। जब बिमल के सारे एसेट बेचे तो ₹200, तब भी उसके अंदर सब एसेट बेच के बाकी उसकी प्राइवेट पेमेंट करके जो पैसे बचे वो ₹200 थे, यानी कि बिमल भी इंसॉल्वेंट हो गया है। और उससे जब पैसे मंगाएंगे तो वो सिर्फ ₹200 ला पाएगा और उससे ज़्यादा पैसे नहीं ला पाएगा, क्योंकि ₹200 ही उसके पास बचे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, इसके अकाउंट बनाने हैं, और बस छोटा सा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसका अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पर बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, और थर्ड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया अमल और बिमल। आगे चलते हैं क्या है इसके अंदर, यहाँ पे भी नाम लिख देता हूँ पहले अमल बिमल। आगे देखो क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले एसेट और लाइब्रेरी ट्रांसफ़र करनी होती है, तो सबसे पहले लाइब्रेरी ट्रांसफ़र कर देता हूँ,
नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही चला रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको समझते जाओ बस, लेकिन आप अपना ध्यान इसके ऊपर लगाए रखना, इसके अंदर एकदम से चेंज ऐसा आएगा और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर वहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई होगा। तो देखो अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह चल रहा है, क्रेडिट अकाउंट था लाइबिलिटी साइड के अंदर ट्रांसफर करा, और लाइबिलिटी साइड के अंदर ये कैपिटल अकाउंट भी है पार्टनर्स का, तो इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दूँ फटाफट जाके। देखो यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 इसका बैलेंस था, है ना। अब डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो इन सबको बस यहाँ से देख के रिलेशन अकाउंट के अंदर कॉपी पेस्ट ही करना है, तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ और सबको देख देख के यहाँ से फटाफट लिख देता हूँ, आप बुक में से देख के फटाफट अपनी कॉपी के अंदर लिखो। सारे से ट्रांसफर करने के बाद देखो ये कैश अकाउंट बचा है, तो इसका यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस है इसका 200, और ये बिमल्स ड्रॉइंग यानी कि बिमल का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 550। अब देखो ये जो बैलेंस शीट दिख रही है ना, ये तो पूरी हो चुकी है, इसके बाद नीचे दिया है रियलाइजेशन के लिए, तो ये रियलाइजेशन हुई है एसेट की, मतलब पैसा आया ना तो बाय कैश अकाउंट, और ये सब देख के रिलेशन अकाउंट के अंदर ही लिखना है। ये प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक कितने, 1250 150 400 और 500, इतने इतने रुपए का बिका है, तो कैश अकाउंट के अंदर और रिलेशन अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री करनी है, सिर्फ देख देख के कॉपी पेस्ट ही करना है। तो देखो थोड़ा सा जूम आउट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अपनी बुक के अंदर से देख के लिखो कैश अकाउंट, और नहीं देखना बुक के अंदर से तो यहाँ से देख लो, कोई बात नहीं है, बस ध्यान इस क्वेश्चन के ऊपर रहना चाहिए, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर कॉन्सेप्ट चला जाएगा अगर ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा तो। यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक अमाउंट कितने कितना है, 1250 150 400 500, इनका टोटल देखो कितना आता है, टोटल टोटल इनका आता है वो दिख रहा है मेरे को 2300। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिलेशन अकाउंट 2300 कैश अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया। अब देखो क्रेडिटर को जो पे करना है इसकी इसने बात नहीं करी, इसके बाद कहता है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹175, रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करी है तो आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सपेंस ताकि दिक्कत ना हो एग्जामिनर को, और यहाँ पे लिखा मैंने 175 ताकि मैं इसको बोलूँ ना तो फटाफट से जाके कैश अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट आ गया इसका 175, ठीक है ना। अब देखो आपको मैंने एजम्पशन लिखवाई थी कि अगर कुछ लाइबिलिटी बची हो जिसको पे ना करा हो, तो आपको एजम्पशन लेनी है कि आपने उसको पे करा है बुक वैल्यू पे, और ये देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की, और उसको पे करने के बारे में बुक के क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि बुक वैल्यू पे करी। देखो 4800 इसका बैलेंस है, और हम क्योंकि अज्यूम करेंगे बुक वैल्यू पे करी है, तो 4800 पे करेंगे, तो देखो कैश अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, 2300 और 200 टोटल मिला के 2500, तो डेबिट साइड में यानी कि कैश अकाउंट में ₹2500 था, लेकिन उसमें से भी 175 तो पे कर दिए रिलेशन एक्सपेंस के, मतलब कि पूरे 4800 नहीं है। अब देखो अनलिमिटेड लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सबसे पहले मुझे पता है यही आया कि सर अनलिमिटेड लाइब्रेरी है पार्टनर से मंगा लेंगे। अनलिमिटेड लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर बिजनेस के अंदर कुछ भी पैसा कम पड़ जाए तो पार्टनर्स लेके आएंगे। पैसा कम पड़ने का मतलब क्या है, क्या पार्टनर को पेमेंट करने के लिए पैसा कम पड़ा, नहीं पार्टनर की बात नहीं कर रही है, आउटसाइड लाइब्रेरी की बात कर रहा है। अनलिमिटेड लाइब्रेरी का मतलब ये है कि अगर बिजनेस के अंदर पैसा कम पड़ जाए डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो पार्टनर उस पैसे को घर से लेके आएंगे, और पेमेंट किसकी पेमेंट करने के टाइम पे कम पड़ गया, आउटसाइड लाइब्रेरी की। आउटसाइड लाइब्रेरी कौन, देखो लाइब्रेरी की जब पेमेंट होती है तो इस ऑर्डर के अंदर होती है, देखो मैं आप लिखता हूँ, सबसे पहले होती है सिक्योर्ड लाइब्रेरी और सिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लाइब्रेरी की पेमेंट क्यों होती है, क्योंकि उनका जो लाइब्रेरी होती है जो उनसे हमने पैसे लिए होते हैं वो किसी एक एसेट पे सिक्योर होते हैं, जैसे सपोज बिल्डिंग के ऊपर, तो वो बिल्डिंग बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, इसलिए सबसे पहले उनकी पेमेंट, कुछ पैसा बचा उसके बाद तो अनसिक्योर्ड लाइब्रेरी की पेमेंट, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, उसके बाद अगर पैसा बचा तो पार्टनर का जो लोन है उसकी पेमेंट होगी, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो पार्टनर्स कैपिटल की। देखो यहाँ पे सिक्योर्ड लाइब्रेरी कुछ है नहीं, अनसिक्योर्ड लाइब्रेरी है क्रेडिटर, यानी कि सबसे पहले क्रेडिटर की पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन क्रेडिटर की पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है, अगर बिमल से पैसा मंगवा भी लें तब भी पूरा पैसा नहीं पड़ेगा, तो देखो क्या करना चाहिए। अब जो लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी आएगा उसको कौन बियर करेगा, देखो पार्टनर तो दोनों दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो ये जो लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी है ना ये आउटसाइड लाइबिलिटी को बियर करनी पड़ेगी।
आउटसाइड लाइब्रेरी क्यों बियर करेंगे इसको? आउटसाइड लाइब्रेरी इसलिए बियर करेंगे क्योंकि पार्टनर खुद नहीं बियर कर पा रहा। जब आउटसाइड लाइब्रेरी की पेमेंट करने जाएंगे तो पैसा होगा नहीं, पार्टनर से पैसा मंगवा नहीं सकते, यानी कि कुछ लॉस है जो इंसॉल्वेंसी की वजह से हुआ है, कुछ लॉस है जो इंसॉल्वेंसी की वजह से हुआ है। देखो पैसा है नहीं बिजनेस के अंदर, मांगने जाएंगे पार्टनर से तो वो भी नहीं लेके आ पाएगा क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब कुछ तो पैसा है जो अनपेड बचेगा, वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर तो बेयर करेंगे नहीं क्योंकि वो तो खुद इंसॉल्वेंट हो गया, उनसे तो पैसा हम नहीं मंगवा सकते ना। जब तक पार्टनर सॉल्वेंट होते थे हम उनसे पैसा मंगवा लिया करते थे, मतलब कि लॉस किसने उठाया? पार्टनर ने। अब दो पार्टनर हैं, दोनों के दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये लॉस जो ऑन लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी जो है ये उठाएंगे आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर सिक्योर्ड हो तो सिक्योर्ड वाले, अनसिक्योर्ड हो तो अनसिक्योर्ड वाले, ठीक है ना? तो सर आप एक काम करो, आप लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी निकालो सबसे पहले। देखो मैं लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी निकालने जाता हूँ, अब लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी तभी निकाल पाऊंगा जब पार्टनर के अंदर वो जब पार्टनर के अंदर रिलेशन लॉस ट्रांसफर करूंगा। अब देखो जाता हूँ रिलेशन अकाउंट के पास कि भाई मेरे को बता दो लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी, लॉस ऑन रिलेशन क्या है। तो रिलेशन अकाउंट के अंदर लॉस तभी निकाल पाऊंगा जब क्रेडिटर्स की पेमेंट करूंगा, मतलब अब यहाँ पे तो मैं फंस गया। लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि रिलेशन अकाउंट का लॉस अब मुझे पता नहीं है, और रिलेशन अकाउंट का लॉस इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि क्रेडिटर्स की पेमेंट करे बिना निकलेगा कैसे? क्रेडिटर्स की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। देखो रिलेशन अकाउंट का पर्पस था कि सब कुछ सिंप्लीफाई कर देना, रिलेशन अकाउंट का पर्पस था सब कुछ सिंप्लीफाई करना, इतने सारे अकाउंट हमको ना बनाने पड़े, इसलिए रिलेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन यहाँ रिलेशन अकाउंट की वजह से ही हमको दिक्कत महसूस करनी पड़ रही है, सिर्फ यही एक रिलेशन अकाउंट है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फंस चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, रिलेशन अकाउंट ने अब क्या कहा, देखो रिलेशन अकाउंट कहता है किसकी वजह से तुमको दिक्कत है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से दिक्कत है, क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ से हट जाए तो सारे एसेट की पेमेंट मिल चुकी है, जितनी भी पेमेंट थी कर चुके हैं, सिर्फ क्रेडिटर्स को छोड़ गए। तो आप क्या करो, क्रेडिटर्स अकाउंट को यहाँ से हटाओ और आप क्रेडिटर्स का एक अलग से नया लेजर बना लो, क्रेडिटर्स अकाउंट का ही, मतलब बैलेंस शीट के अंदर से क्रेडिटर्स अकाउंट ट्रांसफर करो ही नहीं, रिलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिटर्स का एक अलग से अकाउंट बना लो। सर क्रेडिटर्स की जगह और कोई आउटसाइड लाइब्रेरी होती तो उसका भी अकाउंट बनाते, बिल्कुल बनाते, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का डिफरेंस। अगर सिक्योर्ड है तो उनकी पेमेंट एसेट से हो जाएगी तो उसको आप रिलेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अनसिक्योर्ड है उनको सबको एक्यूमुलेटेड लॉस मिलेगा, जितना भी लॉस होगा वो सब एक बराबर का बियर करेंगे। तो जितने भी अनसिक्योर्ड लाइब्रेरी है उसका अकाउंट तो आपको बनाना ही बनाना है, और सिक्योर्ड लाइब्रेरी का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ बुक के अंदर होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको ले लेंगे, वैसा जितना कि मुझे याद है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट है यहाँ पे इसको मैं अलग से बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस इसका तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4800। और अब जो रिलेशन अकाउंट है इसको मैं बिल्कुल क्लोज कर सकता हूँ, और ये क्लोज हो जाएगा तो लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी भी निकल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कितना लॉस उनको बेयर करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, और जब लॉस बेयर हो जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ इस क्रेडिटर्स अकाउंट को हटाने से पूरा क्वेश्चन हो गया आसान। सबसे पहले क्या करता हूँ, रिलेशन अकाउंट का लॉस निकालता हूँ, कितना लॉस है पहले डेबिट साइड में देखता हूँ, 4975 इसका टोटल आ रहा है, और क्रेडिट साइड का तो साफ साफ दिख रहा है अकेला 2300 ही है, तो यहाँ पर टोटल लॉस आ गया 2675। तो इसको कौन कौन बियर करेगा? अमल और बिमल दोनों पार्टनर, अमल के कैपिटल अकाउंट और बिमल का कैपिटल अकाउंट 1:1 रेशो है, तो राउंड ऑफ किसी एक को करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अमल को 1337 रहने दिया और बिमल का राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है ना? अब इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, सबसे पहले फटाफट भाग के गया मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे मैंने लिखा टू रिलेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा लॉस, और यहाँ पे कितना लिखा मैंने 1337 और 1338, अभी तक सब सही चल रहा है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट वहाँ से हटा गया, एक अलग से कैपिटल अकाउंट बना लिया, और अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद रिलेशन का लॉस निकाल दिया, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, अभी तक सब कुछ ठीक है। गार्नर वर्सेज मुरे रूल इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो गलती से भी ये लॉस कैश के अंदर नहीं मंगवा लेना क्योंकि वो ला ही नहीं सकता, वो इंसॉल्वेंट है। तो अब आगे क्या होगा, देखो अमल प्राइवेट एसेट इज नॉट सफिशियंट टू पे एनीथिंग, लेकिन विमल जो है वो 200 रुपये ला सकता है, तो विमल से ये जो 200 रुपये लेने हैं ये भी ले लो पहले। विमल से 200 रुपये ले लिए और कैश अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी टू विमल्स कैपिटल अकाउंट 200 रुपये, इसके कैपिटल अकाउंट मतलब 200 रुपये ये घर से लेके आया।
अब बाकी जो बचा वो लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी है, बिल्कुल लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी है, क्योंकि जितना पैसा ला सकता था उतना पैसा लेके आ गया है, और जो पैसा नहीं ला सकता था वो सारा लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी है। तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये जो लॉस कौन उठाएगा, क्रेडिटर उठाएंगे ना, तो इसके अंदर जो भी लॉस आएगा वो मैं सीधा क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। तो देखो टोटल करके क्या आता है इनका लॉस। सबसे पहले अमल का करता हूँ 1337 और 1888 बीमल का आ गया, और देखो अमल के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंसिंग फिगर है, 1337 माइनस में 750, तो 587 इसका टोटल आ रहा है लॉस। और बिमल का कितना आता है, 188 माइनस में 200, 1688, 1688 ये बिमल का लॉस आ गया। ये दोनों लॉस मतलब ये जो पैसा है इनको घर से लाना चाहिए था लेकिन इंसॉल्वेंट है इसलिए नहीं ला पाएंगे, तो ये जो लॉस है वो क्रेडिटर्स बियर करेंगे। ये लॉस कौन उठा रहा है, इस बार क्रेडिटर्स उठा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा सीधा क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। और क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि क्रेडिटर्स ने टोटल कितना लॉस उठाया, और बाकी जो बची वो पेमेंट हो जाएगी कैश के अंदर। देखो सबसे पहले मैं लॉस ट्रांसफ़र करता हूँ 587 और 1688, लेकिन इसका एक और मार्केट में ट्रीटमेंट चल रहा है कि आप ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट है ना, इस क्रेडिटर्स अकाउंट की जगह यहाँ पे एक अकाउंट लिखो डेफिशिएंसी अकाउंट। सर ये कौन सा नया अकाउंट आ गया, अभी आपको देखते पता चलेगा। देखो डेफिशिएंसी अकाउंट अभी तक तो कोई लेजर नहीं है ना बैलेंस शीट में था, मतलब कि ये एक नया लेजर खुला है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट में बनाता हूँ नया। और ये जो क्रेडिटर्स के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करा था ये मैं डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर मैंने लिखी डेफिशिएंसी के अंदर टू अमल कैपिटल और टू बिमल्स कैपिटल 587 और 1688। और कहता है कि अब ये जो लॉस आया ना टोटल डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर, इस लॉस का टोटल करके अब इस लॉस को क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करो। मतलब क्या हुआ कि जितना भी लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी था ना, जैसे अभी इसके अंदर दो पार्टनर है, जैसे तीन पार्टनर हुए, चार पार्टनर हुए, उन सबका लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी एक अलग अकाउंट के अंदर इकट्ठा करो, उन सबका लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी एक अलग अकाउंट के अंदर इकट्ठा करो, जिसका नाम क्या है, ये डेफिशिएंसी अकाउंट। इस डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर मैंने दो पार्टनर का लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी इकट्ठा करा है, और इस इकट्ठे लॉस को मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करा है। तो अब इन दोनों को हटाना पड़ेगा ना क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, अमल कैपिटल बीमल कैपिटल, इसको हटा के मैंने यहाँ पे लिखा टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इस अकाउंट का फ़ायदा यह है कि सारा इकट्ठा लॉस पता चल जाता है कितना बेयर करा, और हमारा जो आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल है वो डेफिशिएंसी अकाउंट ही बनाता है। तो मैं इसको अमल और बीमल कैपिटल को काट देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से क्रेडिटर्स को काट देता हूँ। अब भी हमेशा डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे, वैसे क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी अकाउंट क्योंकि स्टडी मटेरियल बना रहा है और लॉजिकल भी है, तो इसलिए आप डेफिशिएंसी अकाउंट क्वेश्चन के अंदर अगर एग्जाम के अंदर आता है तो बना के आना, ठीक है ना। अब देखो डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल तो ऑटोमेटिकली मैच करेगा, जो टोटल है वही क्रेडिटर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करा है, तो इसको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करा क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। देखो कैपिटल अकाउंट क्लोज, रिलेशन अकाउंट मैंने पहले ही क्लोज करा है, सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट है जो क्लोज़ नहीं हुआ, और एक कैश अकाउंट है जो क्लोज़ नहीं हुआ। क्रेडिटर्स अकाउंट को सबसे पहले क्लोज़ कर लो या कैश अकाउंट को क्लोज़ कर लो, जो भी एक आखिर में बचेगा उसका बैलेंस मैच होगा, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, और बैलेंस मैच नहीं हुआ मतलब कुछ गलती है। तो देखो 4800 का टोटल इनकी पेमेंट करनी थी जो मेरे को क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 2275 का लॉस इनको पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया इसलिए बेयर करना पड़ गया। तो ये जो 2275 का लॉस है ये इनको बेयर करना पड़ा है, उस लॉस के बाद जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो इनकी पेमेंट कैश के अंदर हो जाएगी, और इतना पैसा हमारे कैश अकाउंट के अंदर भी ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जितना वो नहीं ला सकते थे पार्टनर उतना इनको लॉस दे दिया, तो बाकी जो ला सकते थे उन सबको लाने के बाद जो पैसा बचा वो पेमेंट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, कितना इनको कैश में हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा टू कैश अकाउंट, कितना पैसा आता है कैश अकाउंट के अंदर, 4800 माइनस में 2275, तो अमाउंट आ गया इसके अंदर कितना आता है कैलकुलेटर पे करो, 2525 इसका कैश अकाउंट के अंदर पेमेंट हो जाएगी। अब इसको कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो कैश अकाउंट मैच होना चाहिए, और कैश अकाउंट अगर मैच हुआ इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक करा है ना। तो कैश अकाउंट के अंदर देखो यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ 2525 बाय क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने यहाँ पर लिखा, और टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है, 2300 2500 2700। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2700, और क्रेडिट साइड का भी 2700, यानी कि टोटल मैच कर रहा है, क्वेश्चन हमने करा है ठीक।
और ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको पता है क्या करना है। ये मैंने क्वेश्चन से इसलिए समझाया ताकि अच्छे से क्लियर हो, और बुक में शायद इसका एक ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हो तो आप कर लेना, और क्वेश्चन नहीं हो तो आप इसी को दोबारा कर लेना। और क्योंकि अब आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप क्या करो, इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में 10 पेजेस छुड़वाए हैं उसके ऊपर लिख लो, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको, इसके कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है आपको। सेकेंड पॉइंट लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, जो था इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्नर वर्सेज मुरे रूल, शायद वही पॉइंट था। अब ये थर्ड पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा कि क्रेडिटर अकाउंट को ट्रांसफ़र करो ही नहीं, उसका लेजर अलग से बनाओ। मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको अलग तरीके से समझाया ताकि आपको अच्छे समझ में आए, लेकिन एग्जाम के अंदर इतना टाइम थोड़ी होता है, आप तो सीधा क्वेश्चन करोगे ना, तो इसी स्टेप को बोलो। सबसे पहले मैंने लिखा कि क्रेडिटर अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना ही नहीं, उसको अलग से मेंटेन कर लेना। और उसके बाद मैंने स्टेप्स बना दिए हैं, स्टेप्स आपको बड़े अच्छे से याद हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी एज डिस्कस्ड अर्लियर, लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी आपको बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे हमने अभी तक निकाला था गार्नर वर्सेज मुरे रूल के केस में। और उसके बाद आपको ये कुछ स्टेप्स मैंने आप लिख दिए हैं, ये फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करा था, लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी निकालने के बाद, सर लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करा था। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करो। उसके बाद क्या कर रहा था, सर डेफिशिएंसी अकाउंट का जो टोटल था वो क्रेडिटर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा था। स्टेप नंबर 2 मैंने ये लिखा है कि डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल क्रेडिटर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करो। और स्टेप नंबर 3 मैंने लिखा है कि अब क्रेडिटर अकाउंट के अंदर जब ट्रांसफ़र हो गया तो क्रेडिटर अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो आप कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दो, मतलब उसकी पेमेंट कैश में हो जाएगी। तो मैंने लिखा है रिमेनिंग अनसेटिस्फाइड पोर्शन ऑफ क्रेडिटर्स विल बी सेटल्ड इन कैश, जितना भी उनका पैसा बचा हुआ वो सब कैश के अंदर उनकी पेमेंट हो जाएगी। और उसके बाद स्टेप नंबर 4, कैश अकाउंट विल टैली, कैश अकाउंट अपने आप मैच होएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर भी ख़त्म। क्योंकि आपने गार्नर वर्सेस रूल पहले अच्छे से सीखा था इसलिए सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम करेंगे पीस मील, और पीस मील बच्चे मानते हैं सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं आपको कैसा लगता है पीस मील। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू।